क्षेत्र को लेकर आज हम बात कर रहे हैं धार इलाके के वरिष्ठ पत्रकार स्वप्निल शर्मा से, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में पत्रकारिता करते हैं। उनकी इस इलाके में खासी पकड़ है और वो खुद इस बात को बताएंगे कि आखिर इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की क्या स्थिति है। स्वप्निल जी, आप बताइए कि क्या स्थिति है यहाँ पर। देखिए साहब, दोनों की स्थिति आज की टक्कर में दोनों बराबरी पे है, लेकिन भाजपा की स्थिति ना तो कमजोर कह सकते हैं ना पावरफुल कह सकते हैं, क्योंकि गुटबंदी बहुत ज्यादा है। वृंदा बघेल का ग्रुप अलग है, भले ही आज आप अपने आप को साथ बता रहे हैं कि हम लोग साथ हैं, सबका साथ में सबका विकास, लेकिन फिर भी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि छतर सिंह दरबार जो है लंबे समय से निष्क्रिय थे, उनको टिकट आखिर पार्टी ने क्यों दे दिया? पार्टी ने इसलिए दिया कि साहब ये गुटबंदी को प्रोत्साहन नहीं मिले। रंजना बघेल जो 39,000 से ज्यादा हारी थी, वो भी दावेदार थी, फिर वो चाहती कि मुझे नहीं मिले तो भतीजों को मिले। जयदीप पटेल जो दही के जनपद सदस्य है उनको मिले, लेकिन पार्टी ने सोचा कि इन दोनों के बजाय तीसरा देखा उन्हें, पूर्व सांसद उनके लिए बहुत अच्छा लगा उनको, वो पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार को देना उन्होंने पसंद करा। ये छतर सिंह दरबार को रंजना बघेल के अलावा विक्रम वर्मा गुट का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? विक्रम वर्मा आंदोलन में है साहब, बाकी वर्मा जी जो है अभी दिल्ली में अपने दामाद की उसमें लगे थे चुनाव में। हाँ, प्रवेश वर्मा का पिछले रविवार वोटिंग हो गया उनका, और हो सकता है वो कल से सुन रहे कि कल से दो दिन धार जिले में देंगे वो छतर सिंह जी। तो लंबे समय से विक्रम वर्मा धार छोड़ के दिल्ली गए थे अपने दामाद को जिताने। हाँ जी जी। अच्छा, स्वप्निल भाई ये बताइए कि यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार की क्या स्थिति है? कांग्रेस के उम्मीदवार की स्थिति अच्छी है, हालांकि गजेंद्र सिंह नाराज है और गजेंद्र सिंह के जो समर्थक है वो भी निष्क्रिय रूप से, हालांकि गजेंद्र सिंह बता रहे कि मैं पार्टी का साथ दूंगा, लेकिन पार्टी वाले उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार का क्या नाम है? दिनेश गिरवाल। इनको टिकट क्यों दिया पार्टी ने? पार्टी ने इसलिए दिया साहब, ये एक तो सिंधिया ग्रुप के है, दूसरे दत्ती गाँव के करीबी है, और दत्ती गाँव आज की तारीख में जिले में पावरफुल व्यक्ति है, सिंधिया जी के करीबी है। यहाँ की जो पूर्व सांसद है सावित्री ठाकुर, उनका टिकट क्यों? बहुत ज्यादा निष्क्रिय थी साहब, मैं बहुत से लोगों को जानती पहचानती भी नहीं थी, और वो इस इलाके में बहुत काम आती थी। लोग कहते हैं भाई क्यों काम आती है, तो बोले वो रंजना बघेल के डर से आती नहीं है। रंजना बघेल का डर था उनको कि रंजना बघेल नाराज नहीं हो जाए, इसलिए नहीं आती थी वो। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे लग रहे हैं। क्या आरोप लगे थे उनके ऊपर? ये तो साहब मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कार्यकर्ता बहुत नाराजी थी उनके प्रति। आखिरकार क्या लग रहा है कि दारोमदार आपको बीजेपी पे ज्यादा दिख रहा है या कांग्रेस पर, किसकी जीत ज्यादा? आज की तारीख में कोई भी कह नहीं सकती, लहर नहीं है, मुद्दा नहीं है। जैसे शहरों में मोदी के प्रति क्रेज है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी इलाकों में मोदी लहर नहीं है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।